आज की सबसे बड़ी खबर जो एक फोन कॉल से जुड़ी हुई है। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर आधे घंटे बात हुई है। इस फोन कॉल की बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से पाकिस्तान का नाम लिए बिना यह कहा है कि कुछ नेता भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं और भारत विरोधी हिंसा भड़काने में जुटे हैं। ये क्षेत्रीय शांति और अमन चैन के माहौल के लिए ठीक नहीं है। जाहिर है बात इमरान खान के लिए कही गई है जो पिछले 15 दिन से हर रोज भारत विरोधी बयान दे रहे हैं और खुलकर पीएम मोदी, बीजेपी, यहां तक कि आरएसएस के खिलाफ नफरत फैलाने में जुटे हैं। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि इस क्षेत्र के लिए जरूरी है कि आतंक और हिंसा से मुक्त हालात बनाए जाएं और बिना कोई बहाना बनाए सीमा पार से होने वाले आतंकवाद को रोका जाए। इमरान खान हो, उनके मंत्री हो, उनकी सेना के जनरल हो, रिटायर्ड जनरल हो या फिर उनके पत्रकार हो, आजकल उठते बैठते भारत को इस बात की दुहाई देने में लगे हैं कि भारत अब पुराना भारत क्यों नहीं है। आखिर भारत अब नया भारत क्यों हो गया है? इमरान खान रोज उठकर नियम से ट्वीट करते हैं और किसी न किसी बहाने पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस को कोसते हैं। इसी से समझ में आता है कि आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुका पाकिस्तान अब मानसिक तौर पर भी दिवालिया हो चुका है। पाकिस्तान के जनरलों के लिए तो इमरान खान एक प्यादे की तरह हैं। ये बात आज फिर साबित हो गई जब पाकिस्तान के आर्मी जनरल बाजवा ने इमरान खान से अपना 3 साल का कार्यकाल बढ़वाने पर साइन करवा लिया। दिलचस्प बात यह भी है कि आज ही भारत के सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के हवाले से ये कहा गया कि बालाकोट के बाद भारतीय सेना युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। इसी के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने आज पीएम मोदी को फोन कर दिया। इस घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ा जाए तो सीधे तौर पर यही लग रहा है कि पाकिस्तान के हाथ पैर कांप रहे हैं, जबकि भारत का संदेश साफ है कि अगर पाकिस्तान ने इधर उधर कोई हरकत की तो अंजाम बालाकोट से बुरा होगा।